सबको नमस्कार। मेरा नाम बी गौतम रेड्डी है। मैं तीसरी कक्षा में केंद्रीय विद्यालय गुंटूर में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जो आज़ादी में अमृत महोत्सव के अवसर पर सुनाया जा रहा है। आए सुनिए। मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा, भगत सिंह जैसा फिर से कोई सरदार आएगा। तम जाएगी यहाँ भ्रष्टाचार की आंधी, जन्म लेगा फिर से कोई सत्याग्रह वाला गांधी। अब बाईमानों और गद्दारों को भी आएगी होश, क्योंकि जाग उठेगा फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस। इन सब की वजह से ही तो तुम हुए हो आजाद, वरना ना मिल पाता तुम्हें स्वतंत्र का स्वाद। इन्होंने हमारी आज़ादी में अपना योगदान दिया था, बदले में हमसे भाईचार के और कुछ नहीं लिया था। देश की मिट्टी आज भी इनके गुणगान गाती है, दादी माँ इन योद्धाओं की कहानियाँ सुनाती है, बतलाते वीरों की गाथा धरती माँ भी बोली, चंद्रशेखर भी झुका नहीं और मारी खुद को गोली। हर सर्वोच्च स्थान पर इनकी तस्वीर लग चुकी है, इनकी ही तो वजह से आज पूरा देश सुखी है। इन वीरों की स्मृति में हम प्रगति की ओर बढ़ चले हैं। उगाता है सूरज शांत से चाहे कितने भी दिल डले हैं। अपने देश की रक्षा सब वीरों का कारण होती है, तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है। अपने देश की रक्षा सब वीरों का कारण होती है, तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है। धन्यवाद।